नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं हम नया चैप्टर। आज हम सोर्सिंग ऑफ फाइनेंस शुरू करने लगे हैं, ठीक है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ये टॉपिक है, इसको भी हल्का नहीं लेना। हर चीज़ ही टॉपिक जो है ना आपकी F9 के अंदर, आपको पता है कि F9 का जो सा रिजल्ट है 50+ होता था, और लास्ट टाइम 45% रिजल्ट आया उसका, सिर्फ 45%, यानी कि इतने परसेंटेज ऑफ गिर गई आपकी, ठीक है। क्यों? बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते, ठीक है। लास्ट टाइम जो सा इसका OT है, इसका आया था सोर्सिंग ऑफ फाइनेंस का, एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ठीक है, 20 नंबर का, बड़ा इजी सा था। मैं तो होता तो मैं तो पूरे पूरे मार्क्स गेन कर लेता, लेकिन पता नहीं लोग बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये लेक्चर जो है ना आपको, एक मैंने आपको बोला वर्किंग कैपिटल की थ्योरी, और एक आपको बोला है, एक आपको बोलता हूँ मैं थ्योरी जो सी आपने अपने रट लेनी है ना, वो इन्वेस्टमेंट रिजल्ट थी। क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना आप लोगों को, वर्किंग कैपिटल में से ही आना, और कहाँ से आना, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में से ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपको इन दोनों में से लॉन्ग आ गया तो समझो थ्योरी भी उसके साथ ही आनी है, ठीक है। तो कोई 15 से 20 नंबर आपके थ्योरी के सीधे सीधे आ जाने हैं, 7 नंबर का एक पार्ट आ जाए, 8 नंबर का एक में पार्ट आ जाए। तो थ्योरी आपके लिए तो बहुत ही आसान होनी चाहिए, सिंपल सी। आपने कौन सा प्रोफेशनल पेपर देना, जहाँ सा आपने लिंक करके लिखना होता है, इसके अंदर आपने जनरली लिखनी होती है, समझ रहे हो बात को। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, एटलीस्ट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 40 में से आपके, एटलीस्ट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 40 में से आपके पास कोई 30 नंबर तो लॉन्ग में से गेन कर लो। MCQs माना है वो बड़े मुश्किल होते हैं, समझ रहे हो बात को, बड़े मुश्किल होते हैं। और उनकी क्या होती है, बड़ी वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से जो है ना, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो। MCQs आपके लिए बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। अगर आपके 30 नंबर यहीं से हो जाए कन्फर्म, ठीक है, तो बाकी 30 नंबर आप उसमें से कर लो, 60 इजीली गेन कर सकते हो, 60 में से आप आधे नंबर भी नहीं ले सकते। लॉन्ग तो इजी होता है आपको अटेन करना, और एक एवरेज बंदा भी ना कम से कम हाफ नंबर ले लेता है, लेकिन मैं तो आपको एवरेज से भी ज़्यादा तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस वैल्यूएशन का लॉन्ग नहीं आता, अलबत्त OT जो है ना वो 100% आता है, उसके चांस 100% है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बिजनेस वैल्यूएशन का 10 नंबर का क्वेश्चन लाजमी आता है OT के अंदर, रिस्क का 10 नंबर का लाजमी आता है, फिर जो सा 10 नंबर का रह जाता है वो या तो वर्किंग कैपिटल में से भेज देता है आपको, नहीं तो किसी और के थ्रू आप कोई और चांस है वो या तो सोर्सिंग ऑफ फाइनेंस में से कर लेता है, समझ रहे हो बात को। तो बिजनेस वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट जो सा हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसमें से तो आपको हर हाल में 10 10 नंबर आने हैं। तो इतना आसान ना लो रिस्क बिजनेस वैल्यूएशन को और रिस्क को। सोर्सिंग ऑफ फाइनेंस में से वो लॉन्ग पूछ सकता है, और क्या कर सकता है, MCQ पूछ सकता है। MCQ इस बार सोर्सिंग ऑफ फाइनेंस के अच्छे खासे MCQ आए हुए थे, और मुश्किल भी थे, समझ रहे बात को। स्टार्ट करें पढ़ना, फिनिश क्या फिनिश हो जाएगी, ये 2 3 दिन का लेक्चर है, इजीली थोड़ी आज कंप्लीट होना है। ये पूरा चैप्टर है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का है, तो एक दिन में तो नहीं ना खत्म होता। लेकिन स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यानी कि कम से कम ये संडे या मंडे तक, मंडे या ट्यूसडे तक ये चलेगा आपका मेरे साथ। नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे के तक, एक दिन में थोड़ी खत्म हो जाता है। लो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने आप को फाइनेंस किसके थ्रू करना है, उसके के पास कौन कौन से सोर्सेज होने चाहिए अपने आप को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। ये बात तो समझ आती है ना आपको, है ना। तो कंपनी के पास डिफरेंट वे होते हैं, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा है, कंपनी के पास क्या होता है, डेट होता है, कंपनी के पास शेयर्स होते हैं, कंपनी के पास क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेज होते हैं, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि फाइनेंस जो सा कंपनी ने अपने आप को करना है, वो फाइनेंस जो सा करना है कंपनी ने आपको, वो कौन सा होना चाहिए। फाइनेंस आपको पता है एक तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस करना है, या लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस करना है, ठीक है। तो हमने इसके रिसोर्सेज देखने, हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में सबसे पहले आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको जो सा फाइनेंस करना पड़ता है, ठीक है, उसके कौन कौन से वेज होते हैं हमारे पास।
आपके पास ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक हो गया, फैक्टरिंग कर लेते हो आप, अभी अब हम पढ़ के आए वर्किंग कैपिटल में से, ठीक है, फैक्टरिंग कर लेते हो आप, लीज पे ले लेते हो, ऑपरेटिंग लीज लेते हो, ऑपरेटिंग लीज ले लेते हो आप, लीज कर लेते हो, ठीक है, या शॉर्ट टर्म आप क्या करते हो, बैंक लोन ले लेते हो, शॉर्ट टर्म बैंक लोन ले लेते हो, शॉर्ट टर्म बैंक लोन ले लेते हो, ये आपके पास कौन से बनते हैं शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसों की जरूरत हो, ठीक है, ठीक है, ये चीजें साथ साथ नोट करते रहना। लॉन्ग टर्म में हमारे पास क्या होता है, अगर लॉन्ग टर्म हमें चाहिए हो, ठीक है, यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम क्या करें, डेट रेस करें, या क्या रेस करें, इक्विटी, इक्विटी, या तो डेट रेस करें या तो इक्विटी रेस करें, ठीक है, ये बात समझ आती है। ठीक है, अब आपने इक्विटी की टाइप्स पढ़ी हुई है, कौन कौन सी होती है, और डेट की भी टाइप्स पढ़ी हुई है, ठीक है, या थर्ड थर्ड जो सा होता है ना, वो उसको कहते हैं अदर सोर्सेस, क्या कहते हैं, अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस में क्या क्या आता है आपके पास, इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस, ठीक है, इस्लामिक फाइनेंस आता है, वेंचर कैपिटल आता है, ठीक है, फिर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स आ जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आ जाते हैं, ये अदर सोर्सेस में है, हमारे सिलेबस में हर टाइप के लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म तो आपको पता ही है, वो ऑडी हमने पढ़ लिया, फैक्टरिंग पढ़ लिया, ऑपरेटिंग पढ़ लिया, लीज पढ़ लिया हमने, शॉर्ट टर्म बैंक लोन भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, अब हमारा कंसर्न जो सा इस चैप्टर में होना है लॉन्ग टर्म के थ्रू होना है, लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म इक्विटी के थ्रू, और अदर सोर्सेज इस्लामिक फाइनेंस, वेंचर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू होना, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसे पहले इक्विटी के ऊपर, इक्विटी से आने से पहले ना, सबसे पहले एक मुझे ये बात बताओ कि शेयर होल्डर जो सा होता है, शेयर होल्डर वो क्या चाहता है कंपनी से, हाँ, शेयर होल्डर क्या चाहता है अपनी कंपनी से, ये चाहता है कि अपनी मैक्सिमाइज मेरी वेल्थ हो जाए, ऐसा ही है ना, क्या हो मेरा मैक्सिमाइज रिटर्न हो, मैक्सिमाइज रिटर्न हो, मैक्सिमाइज रिटर्न हो। अब ये रिटर्न जो उनसे है आपको पता है किस फॉर्म में मिल सकता है आपको, रिटर्न मैक्सिमम रिटर्न किस किस फॉर्म में मिल सकता है, नंबर वन तो ये है कि या तो उसकी मार्केट वैल्यू अप हो रही हो, ठीक है, मार्केट वैल्यू उसकी इंक्रीज हो रही हो, या तो वो क्या कह सकता है उसका डिविडेंड, डिविडेंड इंक्रीज हो रहा हो, डिविडेंड इंक्रीज कर रहा हो उसका मार्केट के अंदर, डिविडेंड इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, शेयर होल्डर की यही होती है, ठीक है, मार्केट एप्रिसिएशन या मार्केट आप एक ही बात है, ठीक है, समझ रहे बात को, शेयर होल्डर की क्या कोशिश होती है, अपना मैक्सिमाइज रिटर्न करे, कैसे करे, इसकी या तो मार्केट प्राइस इंक्रीज करी हो या डिविडेंड इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, और जो सा होता है हमारे पास डेट होल्डर, डेट होल्डर ये आपके पास पता है सिक्योर, सिक्योर होते हैं, ठीक है, इनका क्या काम होता है, हमारे पास अगर तो फिक्स है तो हमें इंटरेस्ट मिलता ही है, जो सा इनको मिलता रहता है, इनको किसी चीज का कोई रिस्क नहीं होता, ऐसा ही है, ठीक है, तो शेयर होल्डर और डेट होल्डर का ये चेक कर रहे होते हैं कि हमारा जो सा है ना, इस कंपनी से हमें क्या मिलना है, हमें क्या रिटर्न मिलना है इसके अंदर से, इसी के थ्रू इमरजेंसी है ना वो कंपनी फिनांस करती है। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को। अब जो सी इस चैप्टर की मेन थ्योरी है ना,
मेन जो सी थीम है वो ये है कि अगर हम लॉन्ग टर्म से, अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं लॉन्ग टर्म के ऊपर ही आ रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म से हम डेट रेस करते हैं तो हमारे डेट होल्डर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर हमारे पास शेयर होल्डर है, अगर इक्विटी से हम अगर क्या करते हैं फंड रेस करते हैं तो मार्केट प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा या डिविडेंड इंक्रीज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, डिविडेंड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो मेन थीम समझ आती है कि इस चैप्टर की क्या थीम है, कि अगर आप किसी से अपना सोर्स लेते हो, फंड लेते हो, ठीक है, किसी से अपना फंड इंक्रीज करते हो, रेज करते हो अपना फंड किसी भी थ्रू, तो उससे आपके स्टेक होल्डर्स पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स हैं, डेट होल्डर्स हैं, या मार्केट, ओवरऑल मार्केट पे आपको क्या इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हो बात को। चलो एक बात तो आपके जेहन में होनी चाहिए कि जो सा डेट होता है ना वो ऑलवेज चीपर होता है, कि डेट क्या होता है, ऑलवेज चीपर होता है, ऑलवेज चीपर होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कंपनी को क्या मिल रही होती है, टैक्स सेविंग्स, कंपनी को हमेशा क्या मिल रही होती है, टैक्स सेविंग्स मिल रही होती है, जिसकी वजह से डेट ऑलवेज चीपर होता है। तो हमारा सबसे पहला, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले आपका मोटिव क्या आना चाहिए, आप क्या को डेट रेज कर ले अपना, ठीक हो गया। अब आ जाओ इक्विटी पे, अब आ जाओ मेन थीम के ऊपर, मेन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, मेन क्वेश्चन के ऊपर, या मेन आप इसके ऊपर आ जाओ, पार्ट के ऊपर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर। अगर तो कंपनी को पैसे चाहिए हो और वो रेज करना चाह रही हो इक्विटी के थ्रू, किसके थ्रू, इक्विटी के थ्रू, ठीक है, इक्विटी के थ्रू अगर वो अपनी पैसे जो उनसे हैं वो रेज करना चाह रही हो, तो उसके पास कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। अगर कंपनी अपने पास पैसे रेज करना चाह रही, अपने फंड्स रेज करना चाह रही, उसके पास कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले ना उसको अपने फंड जो उनसे रेज करने हो ना, फंड उसको चाहिए, तो वो कहां से निकाले, अपनी रिटेन अर्निंग के अंदर से, कहां से निकाले, रिटेन अर्निंग से, क्योंकि रिटेन अर्निंग में कंपनी के पास वो पैसे पड़े होते हैं जो उसने अपने पास सेव किए होते हैं किसी भी, किसी भी अनफॉरसीन फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर अपनी ही रिटेनर बैंक अकाउंट खोला हुआ है उसने, तो वहीं से पैसे निकालेगी, इसको क्या पड़ेगी, कॉस्ट कम से कम पड़ेगी, ठीक है। सेकंड वे होता है कंपनी के पास पैसे रेज करने का थ्रू शेयर्स, वो क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को ऑफर फॉर सेल कर सकती है, ऑफर फॉर सेल, यानी कि वो अपनी कंपनी को क्या कर दे, अपने शेयर्स को क्या कर दे, न्यू शेयर्स अलॉट करने के लिए क्या कर दे, सेल कर दे, ऑफर कर दे सेल, यानी कि हम फॉर एग्जांपल कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, तो उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो अपने नए शेयर्स जो उनसे हैं वो अलॉट कर देगी, समझ रहे बात को, तो अपने शेयर्स को क्या करेगी, वो ऑफर फॉर सेल लगा देगी, ठीक है, ठीक है। या तो अब ऑफर फॉर जो उनसे सेल होती है ना हमारे पास, वो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो आप ऑफर कर सकते हैं थ्रू टेंडर, ठीक है, थ्रू टेंडर, यानी कि आपके ऊपर एक बिड लगती है, बिड लगती है, यानी बिड का मतलब समझ आती है आपको, नीलाम होते हैं, ठीक है, तो मैं इतने पे खरीदता हूँ, ठीक है, या तो आप ऑफर कर लेते हो, या तो टेंडर के थ्रू करते हो, या फिक्स प्राइस के ऊपर करते हो, फिक्स प्राइस के थ्रू करते हो आप, ठीक है, कि मैंने अपनी प्राइस फिक्स ही रखनी है। जब आपने अपनी प्राइस फिक्स रखनी हो तो आप क्या कर देते हो, न्यूज़पेपर पे ऐड दे देते हो अपना, या एडवर्टाइजमेंट कर लेते हो कि हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है, कोई मसला, सेकंड वे भी, वो थर्ड वे भी वो क्या कर सकती है, हाँ, लो प्राइस हमें पता लग जाती है हमारी शेयर की कम से कम क्या है, ठीक है। थर्ड वे वो अपने क्या कर सकती है, वो प्लेसिंग कर सकती है अपने शेयर्स को, शेयर तो उसने इशू करना ही है, प्लेसिंग कर ले। अब प्लेसिंग क्या करती है, प्लेसिंग हमारे पास ना जनरली तौर पे शेयर्स आप जो उनसे अलॉट करते हो ना, वो जनरल पब्लिक को नहीं करते, ठीक है, अलॉट जो उनसे शेयर्स करते हो
offers to general public. बल्कि अब इसको कौन खरीदता है, आपने एक नाम सुना होगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सुना हुआ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये नाम सुना हुआ है? हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, ये मार्केट के अंदर होते हैं, आपके पास एक जैसा कि कह लो इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये पूरे कोई हाँ बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, ठीक है, ये क्या करती है, ये शेयर्स बाय कर लेती है किसी कंपनी के लिए, ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी होती है जो उसे बाय करती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये कहती है कि हमें अपने शेयर दे दो, 40% दे दो, 50% दे दो, 60% दे दो, यानी ये नहीं कि 1% होल्डिंग, 2% होल्डिंग, इनके पास पैसा ज्यादा होता है तो ये क्या करते हैं, शेयर ज्यादा जो उनसे है वो ज्यादा मिकदार में खरीदते हैं, बाय करते हैं, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, ठीक है, इन्वेस्टर्स। फोर्थ वे क्या हो सकता है कि आप राइट इशू कर दो, राइट इशू कर दो, ठीक है, राइट इशू कर दो अपने शेयर होल्डर्स को, राइट इशू का मतलब समझ आता है ना आपको क्या होता है, राइट इशू कहते होते हैं कि ऑलरेडी जिसके पास आपके शेयर्स पड़े हुए हैं आप सबसे पहले उसको क्या करो, उसी को ऑफर करो, सही है। तो हमारे सिलेबस में ना सिर्फ क्या है, रिटेन अर्निंग की थ्योरी पढ़नी है हमने, क्या होती है ऑफर फॉर सेल की, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने होंगे आपने वही नोट्स में से, कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, प्लेसिंग के आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं क्या होते हैं, समझ रहे हो। और राइट इशू की हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन भी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि हम इक्विटी के थ्रू अगर फंड रेज कर रहे हैं, इक्विटी के थ्रू अगर हम फंड रेज कर रहे हैं, हमारे पास तो पैसा आ जाएगा, आपको लगता है कि शेयर होल्डर्स जो उनसे हैं वो उनकी वेल्थ के ऊपर कोई असर आएगा या नहीं आएगा, या वो बिल्कुल ही कांस्टेंट रहेंगे, क्या लगता है आपको, हमारे पैसे रेज करने से, हमारी इक्विटी वर्थ शेयर करने से शेयर होल्डर्स की वेल्थ के ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अब ये हमें पता नहीं लेस हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा जो भी है। अब देखो कि फॉर एग्जांपल कंपनी पहले 500 कमाती थी, ठीक है, उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000 के, ठीक है, तो पहले वो पहले 500 का प्रॉफिट 1000 के पर डिवाइड होता था, लेकिन अब उसने राइट इशू कर दी है, ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हैं 1500, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल फंड रेज करने से आपके पास क्या हुआ कि 100 रुपया और यानी प्रॉफिट 600 हो गया, इस रेशियो से नहीं वो इंक्रीज करेंगे प्रॉफिट जिस रेशियो से आपकी इक्विटी रेज कर रही है, समझ रहे हो। तो हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, हमारा जो सा मेन कॉन्सेप्ट है ना, हमने ना जो सी रेशियोज पढ़नी है ना, ज्यादा कॉन्सेप्ट रेशियोज का ही आता है, ठीक है, हमने जो सी रेशियोज पढ़नी है ना वो शेयर होल्डर से रेलिवेंट रेशियोज पढ़नी है, ठीक है, और थ्रू किसे पढ़नी है, हमने डेट होल्डर के थ्रू हमने पढ़नी है कि अगर हम पैसे जो रेज करें ना तो शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, और क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट के ऊपर क्या फर्क आएगा डेट होल्डर्स के ऊपर, ठीक है। तो आपके पास आपके लिए एक काम है, एक होमवर्क है, ठीक है, आपने क्या करना है, अभी नोट्स, अभी क्लास खत्म होती है ना, क्लास खत्म करने के बाद आपने चेक करना है, गूगल पे चेक करना है या नोट्स में से चेक करना है कि शेयर होल्डर के लिए रेलिवेंट जो सी होती है ना वो कौन कौन सी, शेयर होल्डर वेल्थ के लिए रेलिवेंट जो सी रेशियोज होती है ना वो कौन कौन सी होती हैं, उसके फॉर्मूले रिवाइज करने हैं आपने, ठीक है। इसी तरह डेट के थ्रू करने हैं, डेट का क्या इफेक्ट आता है इंक्रीज करने से, ठीक है, तो ये आपने एक दफा रीड करना है। और दूसरा काम ये है कि ये जो सी है ना नोट्स के, आपने 3-4 सफ़ों में इसकी थ्योरी लिखी हुई है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर, रिटेन अर्निंग्स की, ऑफर फॉर सेल की, प्लेसिंग की, राइट इशू की थ्योरी, ये आपने पढ़ के आनी है, ठीक है। कर लोगे इतना काम पेपर पास करने के लिए, कल इंशाल्लाह हम राइट इशू की कैलकुलेशन है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे इंशाल्लाह डेट के ऊपर, फिर उसके क्वेश्चन वगैरह भी हमने स्टार्ट करने हैं, तो इसके क्वेश्चन जो होंगे वो भी करने हैं, आपको पता चले कि कैसे कैलकुलेशन करनी है और क्या इम्पैक्ट आता है शेयर होल्डर या डेट होल्डर की
डेट होल्डर की क्या कहते हैं उसको, वेल्थ पे। ठीक है, काफी है यहाँ तक, आज के लिए काफी है इतना। ये काम आपने लाजमी करना, और